सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का ब्रेकअप हो चुका है। अब दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। सुशांत अपनी अपकमिंग फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की प्रमोशन में व्यस्त हैं, वहीं अंकिता भी काम में बिजी हैं। इस बीच सुशांत ने अंकिता से जुड़े एक ऐसे राज से पर्दा उठाया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सुशांत ने बताया कि फिल्म राब्ता की शूटिंग बुडापेस्ट में खत्म करने के बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने अंकिता से बात की थी, लेकिन इस दौरान उनके बीच क्या बात हुई इसका खुलासा सुशांत ने नहीं किया। लेकिन सुशांत ने इस दौरान अंकिता के करियर के बारे में बड़ा खुलासा किया। सुशांत ने बताया कि अंकिता भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि अंकिता बॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि अंकिता ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब सुशांत ने इस राज से पर्दा उठा दिया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सुशांत ने बताया, अंकिता जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं। ये एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का प्रोजेक्ट है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ ही सुशांत ने कहा कि अंकिता बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलना ही चाहिए। बता दें कि अंकिता से ब्रेकअप के बाद सुशांत का नाम उनकी राब्ता की को एक्ट्रेस कृति सेनन से जुड़ा जा रहा था, लेकिन सुशांत ने इन सभी खबरों को बकवास बताया। सुशांत ने कहा कि फिल्म में बेहतर परफॉर्म करने के लिए एक्टर्स के बीच ऐसी केमिस्ट्री होनी चाहिए जैसी कृति और उनके बीच दिखाई देती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इंडिया के सबसे बड़े शेयर ट्रांसपोर्टेशन प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाली कंपनी ओला के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के लिए दोनों कंपनियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस गठबंधन के तहत साल 2018 तक भारत में 40,000 ड्राइवर पार्टनरों को सशक्त बनाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण गठबंधन के माध्यम से कंपनी ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2,600 करोड़ रुपए से अधिक के वाहनों की बिक्री और फाइनेंसिंग करने का लक्ष्य तय किया है। इस गठबंधन के मौके पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा, ये ऐसी पहल है जिसका समय आ गया है। ये पहल भारतीय ग्राहकों की मौजूदा एवं भावी जरूरतों को पूरा करती है, खास तौर से उन युवा ग्राहकों की जो शेयर्ड मोबिलिटी समाधानों को तवज्जो देते हैं। इसका कम से कम 40,000 ड्राइवर मालिकों और उनके परिवार की जिंदगी पर सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। मेरे मुताबिक ये महिंद्रा ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधन है। मेरा मानना है कि इससे हमारे उद्योग के ढांचे में बदलाव आएगा और हमें भारत की तेजी से आगे बढ़ रही साझा अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम लाभ मिलेगा। वहीं ओला के CEO भावीश अग्रवाल ने कहा, हमें 1 अरब भारतीयों के लिए मोबिलिटी का निर्माण करने के हमारे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए महिंद्रा जैसे प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड के साथ काम करके खुशी हो रही है। दो कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण गठजोड़ के हिस्से के रूप में हमने एक अनूठा समाधान बनाया है जिसमें हजारों महत्वाकांक्षी ड्राइवर उद्यमियों को उनका सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। महिंद्रा के साथ हमारी साझेदारी खोजपरक ढंग से मोबिलिटी के और अधिक विकल्प निर्मित कर दायरा बढ़ाने में मदद करेगी। ओला के ड्राइवर पार्टनर अब इंटीग्रेटेड एवं आकर्षक महिंद्रा ओला पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। इसमें विशेष कीमतों में महिंद्रा की कारें, जीरो डाउन पेमेंट के साथ आकर्षक फाइनेंसिंग और सर्वश्रेष्ठ NBFC ब्याज दरें, सब्सिडाइज बीमा प्रीमियम, व्यापक रखरखाव पैकेज के साथ साथ ओला प्लेटफॉर्म पर विशिष्ट लाभ शामिल हैं। ये अनूठा गठबंधन भारत के दो सबसे प्रमुख ब्रांड्स को साथ लेकर आया है। दोनों कंपनियां चालकों में माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं, ताकि भारत की बढ़ती मोबिलिटी जरूरतों से निपटा जा सके। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली की सड़कों पर महिला PCR वैन दौड़ती नजर आएगी। इन PCR वैन में ड्राइवर से लेकर गन वुमेन और इंचार्ज सभी लेडी पुलिस ही होंगी। फिलहाल दिल्ली में 100 नंबर पर कॉल करने पर जो PCR वैन आती है उसमें हमेशा पुरुष पुलिसकर्मी होते हैं। इनमें से कई तो मदद मांग रही महिला से ठीक से बात भी नहीं कर पाते, उनकी परेशानी नहीं समझ पाते। इसके अलावा अक्सर पुरुष पुलिसकर्मियों से महिलाएं कई बातें बताने में झिझकती हैं। ऐसी स्थिति में वुमेन PCR एक अच्छा कदम माना जा रहा है। पहले राउंड में 5 वुमेन स्पेशल PCR वैन को ट्रायल रन पर चलाया जा रहा है। ये सभी PCR न्यू दिल्ली जोन में मूवमेंट पर रहेंगी। यहां से रिव्यू लिया जाएगा, उसके बाद जो भी खामियां नजर आएंगी उसमें सुधार करते हुए बाकी जोन के चुनिंदा पॉइंट्स पर वुमेन PCR तैनात की जाएगी। लेडी स्टाफ को हार्ट अटैक जैसी कंडीशन से निपटने की ट्रेनिंग दी गई है। एक PCR वैन पर 3 लेडी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। दिल्ली पुलिस के फायरिंग सेंटर में लेडी पुलिस को शूटर की ट्रेनिंग दी गई। इन्हें पिस्टल से लेकर हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है।
आने वाले समय में दिल्ली के चुनिंदा इलाकों इन्हें तैनात किया जाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे अन्य कॉलेज एरिया में इन पीसीआर से महिलाओं को सेफ्टी कवर मिलेगा। पीसीआर के लिए फिलहाल 160 महिला कर्मियों की ट्रेनिंग चल रही है, जिनमें से 15 फिलहाल पीसीआर पर तैनात की जाएंगी। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। एक झटके में ही कई सौ फीट ऊंची ये चिमनी धराशायी हो गई और भरभराकर जमीन पर आ गिरी महज कुछ सेकंड्स। और इंग्लैंड का ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आसमान की ऊंचाई से धरातल पर आ गिरा। दरअसल ये नजारा है साउथ ईस्ट इंग्लैंड का। साउथ ईस्ट इंग्लैंड के एक पुराने पावर हाउस में बनी ये चिमनी सालों तक इंग्लैंड को अपनी सेवा देती रही, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये यूं ही खड़ी थी। इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था क्योंकि साल 2012 में ये पावर स्टेशन बंद हो गया था। अब इस जगह पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई और निर्माण कार्य कराना चाहती है, इसीलिए इस चिमनी को गिराना जरूरी हो गया था। आपको बता दें कि ये चिमनी 55 डबल डेकर बसों की ऊंचाई के बराबर थी और लंदन के मशहूर बिग बैंग टावर से लगभग 2.5 गुना ज्यादा ऊंची इस चिमनी को ब्रिटेन का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर कहा जाता था। और जब आरडीएक्स से ब्लास्ट करके इस चिमनी को गिराया गया तो ये पूरे ब्रिटेन में चर्चा का विषय बन गई। ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया भर के न्यूज चैनलों ने इस चिमनी को गिरते हुए दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता कदम में चार चांद लगाते हुए अगर हम बात करें, अब कहीं ना कहीं एक फैसला जो निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं हम सभी के ऊपर एक मुश्किल खड़ी कर सकता है और जायज भी है कि अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाई तो जुर्माना 5,000 रुपए होगा। जी हाँ, भारी भरकम जुर्माना, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए तमाम जो नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी के नेता हैं वो आगे बढ़े, आम जनता को इसमें संलिप्त किया गया, तमाम सेलिब्रिटीज को इसमें संलिप्त किया गया, लेकिन दरअसल जो स्वच्छता अभियान की असल जो उस परिणाम थे निकलने थे वो यहाँ पर नहीं निकल पाए, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं सख्ती के मूड में सरकार नजर आ रही है। और इसी के लिए खास खबर आम जनता के लिए यहाँ पर है, क्योंकि दरअसल जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शायद बहुत कम ही जाते हैं। आम जनता को यहाँ पर ज़्यादा मुश्किलों से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गंदगी होती है उसके लिए भी ये बात बड़े तौर पर स्वीकारनी होगी कि उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। तो ऐसे में अब जो 5,000 का भारी भरकम जुर्माना है, अगर इससे बचना है तो स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना होगा और तमाम देश में कहीं भी जो रेलवे स्टेशन है या प्लेटफॉर्म है उन पर गंदगी फैलाने से बचना होगा। इवन अगर यहाँ पर जुर्माना जो 5,000 रुपए का है ये नहीं भी हो, कहीं ना कहीं अगर मीडिया सेक्टर बात करें तो ये आम आदमी की भी जिम्मेदारी है, चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, ये नेताओं के लिए है, और चाहे किसी भी कार्यालय की बात करें, तमाम जगह स्वच्छता को रखना होगा ताकि जो स्वच्छता अभियान ना सिर्फ एक अभियान बनकर रह जाए बल्कि इसे परिपूर्ण भी किया जा सके। बिहार की राजनीति में अलग पहचान रखने वाले बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से रिहा हो गए। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शहाबुद्दीन का 11 साल का वनवास खत्म हुआ। सीवान के चर्चित तेजाब हत्याकांड में शहाबुद्दीन को जमानत मिली है। उन्हें कुछ दिनों पहले पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपों में घिरने के बाद सीवान से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव को अपना नेता बताया। उन्होंने कहा, लालू यादव ही हमारे नेता हैं, मुझे उनकी ही छत्र छाया में रहना है, मैं अपनी छवि क्यों बदलूं? मैं जैसा हूं, 26 साल तक लोगों ने मुझे इसी रूप में स्वीकार किया है, सब जानते हैं कि मुझे फंसाया गया था, कोर्ट ने मुझे जेल भेजा और अब कोर्ट ने ही मुझे आजाद किया है। नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। शहाबुद्दीन दो भाइयों की तेजाब से नहलाकर हत्या करने और बाद में हत्याकांड के इकलौते गवाह, उनके तीसरे भाई राजीव रोशन की हत्या के मामले में भागलपुर जेल में बंद थे। दोहरे हत्याकांड में उन्हें हाईकोर्ट से फरवरी में ही जमानत मिल चुकी थी। बुधवार को चश्मदीद गवाह की हत्या के मामले में भी अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली, इसके बाद उनकी रिहाई हुई। सत्ता में आने के बाद पंजाब के अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा देने पर अरविंद केजरीवाल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने निशाना साधा।
केजरीवाल के अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा देने वाले बयान पर काटजू ने फेसबुक पर लिखा कि उनकी ये राय राजनीति को निचले स्तर पर ले गई है। केजरीवाल पर सीधा वार करते हुए काटजू ने लिखा कि इस तरह का बयान देकर केजरीवाल ने खुद को एक्सपोज किया और साबित किया है कि वो वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो दिमाग से पैदल हैं। काटजू ने लिखा कि अगर अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा दिया जाएगा तो हिंदुओं की ओर से इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, पुरी, द्वारिका, हरिद्वार, ऋषिकेश, गया, महेश्वर, मदुरई आदि शहरों और मुस्लिमों द्वारा अजमेर शरीफ के लिए भी ऐसी मांग की जा सकती है। काटजू ने कहा कि धर्म के नाम पर इस तरह की अपील वोट जुटाने के लिए सही हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी और सामंती है। इससे देश का सेक्युलर ताना बाना बिखरने का खतरा है। काटजू ने ये भी कहा कि कोई भी बाबरी मस्जिद वाली जगह पर ही राम मंदिर बनाए जाने की मांग के दौर को याद कर सकता है। निश्चित तौर पर इस मुद्दे से बीजेपी को देश में सत्ता हासिल हुई, लेकिन इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा उनके बयानों की बजाय रैली स्थल पर होने वाले हंगामों के चलते सुर्खियां बटोर रही हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा के दौरान राहुल विभिन्न जिलों में खाट सभा कर किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के बाद जो तस्वीर सामने आती है वो ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। देवरिया के बाद अंबेडकर नगर में भी राहुल गांधी की जैसे ही सभा खत्म हुई लोगों की खाट लूटने की तस्वीरें सामने आने लगी। लोग फिर से खाट के लिए धक्का मुक्की करते दिखे। किसान यात्रा के पहले दिन देवरिया में खाट लूटे जाने की तस्वीरें सामने आई थी। ये तस्वीरें अब आम होती जा रही हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने लखनऊ से 4000 खाट मंगवाई थी। आइडिया ये था कि हर सभा स्थल पर 1.5 से 2 हजार खाट रखी जाएगी, फिर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। देवरिया में बड़ी संख्या में खाट लूटने के बाद कांग्रेस काफी सतर्क हो गई थी। उसी दिन कुशीनगर में हुई खाट सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर खाट पर नजर बनाए रखी और सभा खत्म होते ही उन्हें समेट लिया, मगर अंबेडकर नगर में वापस फिर से खाट लूटती दिखी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।